Hello everyone, I am Anshul. Welcome to my channel. And here we are discussing about our next topic, which is Silverson mixer homogenizer. ठीक है? तो Silverson mixer homogenizer को जानने से पहले homogenization क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है. तो इसका ये मतलब है कि जब हम कोई इमल्शन लेते हैं, एक इमल्शन जो होता है वो क्या होता है, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. तो उस बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, या तो ऑयल और वाटर होगा या वाटर और ऑयल होगा, जो कि आपने आपके प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा. इन दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं किसकी सहायता से, यहाँ पर हम डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, आइदर ट्रगरपंथ और अकेशिया एनीथिंग एल्स. ठीक है? सो जब हम उसको इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं, मिक्स करने की कोशिश करते हैं और मिक्स हो जाता है, तो वहां पर छोटे छोटे जो है ग्लोब्यूल्स पैदा होते हैं. आपने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो ये चीजें आपको देखने मिली होगी फिजिक्स में, कि जो छोटे छोटे बुलबुले पैदा होते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पैदा होते हैं, इन ग्लोब्यूल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, मतलब कि बड़े बुलबुलों को, कोर्स पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं. किसकी सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से. तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं होमोजिनाइजेशन, और जिसकी हेल्प से हम करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम होमोजिनाइजर. ठीक है? होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इमल्शन के कोर्स ग्लोब्यूल्स को हमको फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपन होमोजिनाइजेशन, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं अपन होमोजिनाइजर. ठीक है? क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं अपन जो एक इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में दिया है, जो कि है Silverson मिक्सर होमोजिनाइजर. ओके, चलिए देखते हैं. तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर. कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये शेयर के प्रिंसिपल पे काम करता है, बट आप अगर इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका सिद्धांत जो है वो शेयर ही है. ठीक है? तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, शेयर पर. शेयर का मतलब आपको पता है कि बहुत ही तेज रफ्तार से ब्लेड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कट करते जाते हैं, या काटना या छाटना आप एक तरीके से बोल सकते हैं. उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं. आपको यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा. ठीक है? तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है. ठीक है? इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक शाफ्ट से कनेक्टेड है. उसके बाद आपका यहाँ पर एक स्टैंड है, जिस पर आपका जो इमल्सिफायर है और आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है दोनों आपस में कनेक्टेड है. ठीक है? एक प्रकार से बेस का काम किया है, जो रॉड के जैसे होते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं. तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक मोटर को आपके इमल्सिफायर से जोड़ के रखने का काम कर रहा है. ठीक है? उसके बाद आप देखें, या इसको आप फ्रेम भी बोल सकते हैं. ठीक है? स्टैंड या फ्रेम बोल सकते हैं. इमल्सिफायर है यहाँ पर, इमल्सिफायर. ठीक है? इमल्सिफायर बोल रहे हैं. इमल्सिफायर के अंदर दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है फाइन मेश. ठीक है? बहुत ही पतला यहाँ पर छन्नी लगा हुआ है, और वहां पर दूसरी तरफ क्या लगे हुए, ब्लेड्स लगे हुए. ये वाला जो पार्ट है आपका, मैंने कोशिश किया है कि दिख जाए, पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है, बट यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में ब्लेड्स लगे हैं और नीचे वाले जगह पर वहां पर छन्नी लगी हुई है, जिसको अपन फाइन मेश बोल रहे हैं. बहुत ही बारीक छन्नी वहां पर लगी हुई है. तो चलिए देखते हैं फिर आगे इसकी वर्किंग की ये कैसे काम करता है. तो भाई यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर इस सिर्फ फोटो देखेंगे तो वर्किंग समझना थोड़ा सा मुश्किल है. अब देखिए, ये जो यहाँ पर ये दो गोल गोल दिए हुए, एक प्रकार का स्टैंड है. आप इसको यहाँ से पकड़ कर उठा कर कहीं और भी ले जा सकते हैं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर है तो यहाँ पर यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर एक वायर होगा जो कि आपके प्लग में लगेगा, जिसको आप ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होगा. ठीक है? तो ऑन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम उठाएंगे. उठाकर एक यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे और वहां जहाँ पर जो कि आपका इमल्शन होगा, ये वहां पर कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, तो ऐसा एक इमल्शन होगा. ठीक है? कौन सा इमल्शन, जिसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है? इमल्शन मतलब यहाँ पर दो फेस है, ऑयल और पानी का मिक्सचर है, साथ ही साथ इमल्सिफाइंग एजेंट डाला हुआ है और तैयार हुआ है आपका इमल्शन.
अब क्या करेंगे हम मोटर को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर की सप्लाई ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर अंदर मोटर जो है वो घूमेगा, ठीक है, सीधा से बात है। अब मोटर घूमेगा तो मोटर से कनेक्टेड ये शाफ्ट है, शाफ्ट भी तेजी से घूमेगी, ठीक है, शाफ्ट तेजी से घूमेगी, शाफ्ट से कनेक्टेड आपका ब्लेड है, वो ब्लेड भी तेजी से घूमेगा। अब क्या होगा, तेजी से घूमने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो इमल्शंस है वो इस मेश के अंदर यहाँ पर सक किए जाएंगे, ठीक है, मेश से अंदर जाएंगे ब्लेड की तरह, बहुत ही स्पीड, बहुत ही तेज रोटेशन में ये ब्लेड घूमेगा और ये जो इमल्शन है इसके ग्लोब्यूल्स और इमल्शन का पार्ट इसके अंदर जाएगा, ब्लेड से टकराएगा, ग्लोब्यूल्स छोटे होंगे और तुरंत यहीं से वो वापस आने जाएंगे। क्लियर है कि आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया, ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक मोटर घूमा, इलेक्ट्रिक मोटर घूमने के कारण शाफ्ट घूमी, शाफ्ट घूमने के कारण ब्लेड घूमा, ब्लेड घूमने के कारण यहाँ पर वेलोसिटी डेवलप हुई एक डायरेक्शन में और जो आपका इमल्शन है वो यहाँ अंदर सक किया गया, उस वेलोसिटी के कारण अंदर गया, टकराया ब्लेड से, आपके ग्लोब्यूल्स छोटे हुए और यहाँ से फेंका फेंका कर वापस निकलते गए। ऐसे ये यहाँ पर काम करता है आपका क्या, सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर। हमारा काम क्या था, लार्ज ग्लोब्यूल को हमको कन्वर्ट करना था स्मॉल ग्लोब्यूल्स में और वहां पर फाइन इमल्शन तैयार करना था, यही काम होता है होमोजेनाइजर का जो कि हमने अचीव किया। होपफुली समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में और बाकी से पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखें कि इसका एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस ये है कि ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे साइज में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो ज्यादा क्वांटिटी के लिए और कम क्वांटिटी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेजेस है कि ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, बैच वाइज भी काम कर सकता है और कंटिन्यूअस भी काम कर सकता है। आप पूछेंगे कि बैच वाइज तो सर समझ में आ गया कि एक कंटेनर में रख दिया, एक बैच खत्म हुआ फिर दूसरा चालू हुआ ऐसा करके, ठीक है, पर अगर आप इसको एक पाइपलाइन में कन्वर्ट कर दें कि एक पाइपलाइन जा रही है जिसमें आप इमल्शन जो है वहां पर बह रहा है और वहां पर आप कनेक्ट कर दें तो इमल्शन बह रहा है और जाते जाते वहां पे इसने क्या किया, साइज रिडक्शन, सॉरी क्या किया, होमोजेनाइजेशन को परफॉर्म कर दिया, पाइप से जा रहा वहीं पे इमल्सिफायर लगा दिया और आपका लार्ज ग्लोब्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, या इसकी एक असेंबली लगा दी कि यहाँ पर एक कन्वेयर लगा दिया, कन्वेयर बेल्ट लगा दिया यहाँ पर और इसको कनेक्ट कर दिया और नीचे भी एक कन्वेयर बेल्ट लगा दिया, ऐसी लाइन से बहुत सारे लगा दिए, तो गया इमल्सिफिकेशन हुआ, उठा फिर आगे गया, फिर नेक्स्ट बैच आया, ऐसा करके ये भी हो सकता है बैच प्रोसेस में और कंटिन्यूस प्रोसेस में। अगर किसी पाइपलाइन में आपने इसको फिट कर दिया, एक पाइपलाइन है जहां पर आपकी चीजें जो है, आपका जो इमल्शन है वो गुजर रहा है और यहाँ पर आपने इमल्सिफायर कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर का यहीं से लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करके भेजते जा रहे हैं। ये इसका एक एडवांटेज है, ये दो एडवांटेजेस है इसके, अलग अलग साइज में आता है और बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस दोनों परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है आपका इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ग्लोब्यूल्स कई बार बड़े होने के कारण या कई बार इमल्शन में कोई पार्टिकल्स अगर आ गए हो, कुछ दिक्कत हुई हो, तो ये जो इसका मेश साइज है इसको चोक कर सकता है, ठीक है, ग्लोब्यूल्स कई बार फंस जाते हैं इसके मेश में, मतलब इसकी छन्नी में अगर चीजें फंस गई तो अंदर ब्लेड तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, चोक हो जाएगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका यूज, तो इसको यूज करते हैं अपन प्रोड्यूस करने के लिए फाइन इमल्शन और क्रीम, बहुत ही फाइन इमल्शन और क्रीम बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये आएगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा और मैंने सिर्फ आपको डिटेल समझाई है, लिखना आपको खुद से पड़ेगा, बट काम कैसे करता है ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप समझ गए हैं तो आप बुक की सहायता से और इस लेक्चर्स को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। कोई डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।